सो हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास नाइन्थ मोमेंट बुक से वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा पढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छी ये स्टोरी के रूप में आप देखेंगे। इसे लिखे हैं, आप देख पा रहे हैं, हाँ देखिए बहुत अच्छी कहानी है, हर्ष मंडेर ने इसे लिखा है। चलिए देखते हैं इस कहानी को, हम लोग लाइन वाइज पढ़ेंगे समझेंगे। इसके पहले बता दूँ, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चल आप देख पा रहे हैं वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा। ये क्या एरसमा जो है, एरसमा में जब वेदर आया था, जो स्टॉर्म आया था, उसका क्या असर हुआ था, वो हम लोग देखेंगे आज के इस स्टोरी में। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 किल थाउजेंड ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड ऑफ विलेज। जो तूफान आया था 1999 में, अक्टूबर के महीने में, उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था, तूफान आया था, उसने हजारों लोगों को मार दिया और घरों को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फॉर टू ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत अ यंग मैन वॉज मैरूड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। प्रशांत नाम का एक लड़का जो दो रात को गुजारता है छत के ऊपर, क्योंकि नीचे पानी भर जाता है। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, डिड ही फाइंड हिज फैमिली। और तीसरा दिन वो अपने घर को, अपने फैमिली के पास, अपने गांव जाना चाहता है, तो क्या वो अपने फैमिली को खोज पाएगा? ये मुख्य रूप से कहानी में ये समझना है हम लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन वाइज, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। On 27 October 1999, 7 days after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village. ये वो दिन था October 27, 1999, जो इसकी माँ के डेथ के 7 साल बाद जो है, सो प्रशांत जो है कहाँ जाता है, हेड क्वार्टर ऑफ एरसमा। एरसमा जो है उड़ीसा का एक जगह है, तो वहाँ जाता है, हेड क्वार्टर जो है ब्लॉक हेड क्वार्टर वो एरसमा में है, तो वहाँ जाता है। तो ये कहाँ है, स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा में एक छोटा सा शहर है, ठीक है, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम इस विलेज, उसके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर। टू स्पेंड अ डे विथ अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ दिन गुजारने के लिए अपने दोस्त के पास वो गया। In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. शाम के समय में बहुत काला, घना और ख़तरनाक जो storm है, तूफान है, वो gather हो गया, जमा हो गया। Winds beat against the houses with a speed of fury that Prashant had never witnessed before. और हवाएं इतने तेज़ चलने लगी कि घरों को भी बर्बाद करने लगे, उजाड़ के फेंकने लगे। Heavy and incessant rain filled the darkness and ancient trees were, और heavy बहुत भारी और incessant means ना रुकने वाली बारिश जो है, काफ़ी घना और जो पुराने पेड़ हैं, ancient trees जो हैं हमारे बहुत पुराने पेड़ हैं, वो क्या हुए देखिए, uprooted and crashed to the earth। uproot मतलब उसके जड़ सहित उखड़ गए, उखाड़ दिए गए हवा के द्वारा और ज़मीन पे गिरा दिए गए। स्क्रीम्स रेंड द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। चारों तरफ तबाही का मंजर था, लोग रो रहे थे। द एंग्री वाटर्स स्वर्ल इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस एंड नेक्टिव। और उसके जो दोस्त थे जिसके घर वो गया था, उसके घर में पानी जो है वर्ल कर रहा था, घूमता हुआ सभी जगह दिखाई पड़ रहा था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था घर में भी। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर।
चूँकि वो घर जो था वो ब्रिक का और मोर्टार का यानी ईंट और सीमेंट का था, तो थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग था इसलिए सर्वाइव किया जा रहा था, थोड़ी बहुत वो जान बचा पा रहा था। जो वेलोसिटी है, हवा की तेज़ गति है 350 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे थोड़ा बहुत वो राहत दे रहा था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज एंड हैड गॉन अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। और सबसे जो खतरनाक बात लग रही थी कि जो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, उसके वजह से पेड़ जो है उखड़ करके घर पे गिर रहे थे। ये बहुत दर्दनाक और ख़तरनाक था। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूट एंड वॉल। और मध्य रात्रि में जब ऐसी पेड़ गिर रहे थे तो घर का जो छत है और घर का जो दीवार है उसे काफ़ी क्षति और हानि पहुंच रहा था। चलिए, बहुत अच्छा ये कल्पना तो नहीं, रियलिटी बताया गया है इस कहानी में। द ग्रेट डिस्ट्रक्शन रॉक बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। और इस तरह का तूफान जो है वह 36 आवर तक चलता रहा। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस समवर्ड बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। हवा का जो गति था वो अगले सुबह तक थोड़ी कम हो गई। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस प्रशांत एंड हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ। और जान बचाने के लिए, चूँकि घर में पानी घुस रहा था, तो जान बचाने के लिए प्रशांत और प्रशांत के दोस्त की जो फैमिली है वह छत पर चढ़ गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवस्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। ये प्रशांत के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि उसने कभी ऐसा देखा नहीं था, सोचा नहीं था कि इतना खतरनाक साइक्लोन जो है और ऐसी तबाही लाएगा। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्स एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। सभी तरफ पानी ही पानी दिख रहा था जहाँ तक नज़र जाती है। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। और वहाँ पे दिख रहा था कुछ सीमेंट से बने घर जो बिल्कुल भी खराब स्थिति में थे, वही खड़े नज़र आ रहे थे। ब्लॉटेड एनिमल कारकासेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लॉटेड इन एवरी डायरेक्शन। और सभी जगह जो है जानवरों के शव और जो मनुष्य हैं उसके शव दिखाई पड़ रहे थे। ये बहुत ही खतरनाक दृश्य, दर्दनाक दृश्य यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। तो सभी जगहों पे जो बड़े बड़े पेड़ थे, एंशियंट ट्रीज थे, वो गिर गए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। और दो बड़े कोकोनट ट्री जो है छत पे गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन द डिस्काइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलो। और वो जो कोकोनट ट्री गिरे थे वो एक तरह से वरदान था कि छत पे वो गिरे थे, क्योंकि टेंडर कोकोनट जो है, जो कच्चा कोकोनट जो है, वो बहुत ही फ़ायदा हुआ। कब? जब वहाँ पे कोई खाना नहीं था और सभी लोग छत पे भूखे मर रहे थे, तो उस कोकोनट को खा करके जीवित रहे थे कुछ दिन तक। फॉर द नेक्स्ट टू डेज प्रशांत सैट हैडल विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप दे फ्रॉज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन। ये काफ़ी जो है खतरनाक दृश्य बता रहे हैं कि जो छत के ऊपर जो काफ़ी ठंडा थी और बारिश न रुकने की स्थिति से काफ़ी ज़्यादा ठंड में सभी फैमिली जो हैं, इंक्लूडिंग प्रशांत और प्रशांत के जो फैमिली थे, वो वहाँ बैठे थे बिल्कुल ओपन। उसके सर, उन लोगों के सर पे कुछ रूफ वगैरह नहीं था। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर। और रेन वाटर जो है प्रशांत के टीयर को भी वॉश कर दिया। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन।
और वहाँ बैठे वही सोच रहा कि क्या प्रशांत का फैमिली बच्चा होगा, प्रशांत का फैमिली बच्चा होगा इस खतरनाक साइक्लोन से। वाज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या वो उसे फिर मिल पाएगा? मतलब अपने फैमिली के बारे में वो सोचता है कि क्या हमारी फैमिली जो है वो सही सलामत होंगे, ये सोचता है। टू डेज लेटर विच सीम टू प्रशांत लाइक टू ईयर्स, और दो दिन प्रशांत के लिए लग रहा था कि वो दो साल है। द रेन सीज एंड द वाटर, रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और बारिश जो है वह रुकी और जो पानी है वो भी धीरे धीरे घटने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, अब प्रशांत को लगने लगा कि अब बिना किसी देरी के मुझे अपने फैमिली से मिलना चाहिए, उसके अंदर डिटर्मिनेशन आने लगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीज विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटल वाइल लॉन्गर, अब जो स्थिति थी काफ़ी खतरनाक थी, इसलिए प्रशांत के दोस्त की जो फैमिली है वो कह रहे थे कि प्रशांत को कि यहाँ रुकने के लिए, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे जाना है। तो क्या हुआ अब देखिए आगे। ही क्विप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टडी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज फैमिली थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर, अब उसने क्या किया अपने साथ एक स्टडी स्टिक लिया, काफ़ी मोटा लंबा छड़ी लिया, डंडा लिया, और अपनी घर की दूरी जो है 18 किलोमीटर उससे जो है पार करना शुरू कर दिया, अपने घर जाने के लिए, अपना गांव जाने के लिए। काफ़ी लबालब पानी भरा हुआ था, स्वॉलन फ्लड वाटर जो है काफ़ी पानी भरा हुआ था। इट वॉज जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और एक ऐसा जर्नी था कि वह कभी भूल नहीं सकेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, और चूँकि वो छड़ी इसलिए लिया था कि रोड को वो लोकेट कर सके कि रोड जो है वो किधर है। टू डिटरमाइन ये देखिए जा रहा है छड़ी को लगा करके, टू डिटरमाइन वेदर वाटर वॉज मोस्ट सैलो, कि पानी जो है कहाँ कितना है, तो उस छड़ी से पता चल जाता था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, जैसे पानी ज़्यादा होता था तो प्रोग्रेस जो है उसका चलना जो है थोड़ी स्लो हो जाती थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कुछ कुछ जगहों में तो पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा था और उसे रोड को लोकेशन नहीं मिल रहा था, इस कारण से उसे स्विम यानी तैरना भी पड़ रहा था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, अब कुछ समय बाद उसे दो उसके अंकल के दोस्त मिलते हैं जो कि घूम रहे थे, वापस आ रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन्होंने आगे जाने के लिए डिसाइड किया। अब देखें कि इसके अंकल के दो दोस्त हैं जो भी आ रहे थे, इन्होंने सब मिल करके आगे जाने का सोचा। चलो एज दे वेडेड थ्रू द वाटर द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकबर, ऐसा दर्दनाक सीन उसने, खतरनाक सीन और बहुत भयंकर सीन देखा, कभी नहीं देखा था, विटनेस किया सीन को देखा पानी में। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, बहुत सारे मनुष्यों के जो शव हैं उसे साइड करना पड़ा, चूँकि रास्ते में मिल जा रहे थे मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, लोगों के, बच्चों के और औरतों के शव। एंड कारकासेस ऑफ डॉग्स, डॉग के मृत शरीर को, गॉट्स जो बकरियां हैं उसके मृत शरीर को, एंड कैटल दैट द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एंड दे मूव अहेड, और जो भी कैटल हैं, कैटल मतलब जो भी जानवर हैं, बहुत सारे जानवर के भी जो कारकास हैं उसे साइड करके आगे बढ़ना पड़ता था। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, जिस जिस गांव को वो पार करते थे उस गांव में मुश्किल से घर दिखाई पड़ते थे, क्योंकि सारे घर जो हैं बर्बाद हो चुके थे।
प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लाउड। वो काफ़ी तेज़ी से जोर जोर से इस स्थिति को देख करके कराह रोना आ रहा था उसे। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड हिज कैटास्ट्रोफ। और उसे लग रहा था कि उसके फैमिली जो है वो इस कैटास्ट्रोफ को, इस जो है बड़ी स्थिति को, आपदा को नहीं झेल सका होगा और शायद ख़त्म हो गए हैं। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीपुरा। कालीपुरा उसके गांव का नाम है, वहाँ पहुँच गया। फाइनली वो पहुँच गया। हिज हर्ट वॉज वेंट कोल्ड। उसका जो हृदय था वो भी ठंडा पड़ गया था। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वॉज ओनली रेमनेट्स ऑफ इट्स रूट। और जहाँ उसका घर था वहाँ कुछ नहीं बचा हुआ था। रेमनेट्स ऑफ रूट यानी घर के कुछ अवशेष बचे हुए थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वेयर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक हिज फैमिली लुक फॉर हिज फैमिली। जो स्थिति वहाँ थी वह काफ़ी ख़तरनाक थी। फिर उसने, प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस जो शेल्टर है वहाँ पे जाएगा और अपने फैमिली को शायद वहाँ पा सकेगा। एमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। मैटरनल ग्रैंडमदर का मतलब होता है नानी। तो वहाँ पे शेल्टर में सबसे पहले जिससे मिला वो उसकी ग्रैंडमदर, सॉरी ये मैटरनल ग्रैंडमदर थी, उसकी नानी थी। वीक विथ हंगर सी रश टू हिम। काफ़ी भूखी थी और कमज़ोर पड़ गई थी और प्रशांत की ओर आगे बढ़ी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेस, अपने हाथ को बढ़ाए। हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आँखें जो है ब्रीमिंग कर रही थी। इट वॉज अ मिराकल। बहुत खतरनाक दृश्य था ये। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। Now quickly word spread his extended family gather round। और जब बातें सामने आई, मतलब बात फैल गई कि प्रशांत जो है वो आ गया है, तो उसके फैमिली गैदर हो गए। एंड हग्ड हिम राइट इन द रिलीफ। और काफ़ी सांस ली, राहत भरी सांस ली और उसे हग किया, मतलब गले लगा लिया। प्रशांत एनेक्सियसली स्कैन द मॉटली बेटर ग्रुप। हिज मदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। सभी को, अपने फैमिली के फैमिली मेम्बर को वहाँ पे उसने देखा। फिर क्या होता देखिए। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डिस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, ही डिसाइड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। He sensed a deadly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. काफ़ी ज़्यादा लोग थे और स्थिति सबकी ख़राब थी। 2500 से ज़्यादा लोग थे उस शेल्टर में और सबों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। 86 lives were lost in the village. 86 लोग जो हैं मर चुके थे। All the 96 houses had been washed away. और 96 हाउस जो थे, घर जो थे, वो बर्बाद हो चुके थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। और उस शेल्टर में, उस छावनी में चौथा दिन था। सो फार दे सर्वाइव ऑन ग्रीन कोकोनट, बट देर वॉज टू फ्यू टू गो अराउंड सच टर्मिनेंट ऑफ पीपल। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफिस विलेज। तो स्थिति को देखते हुए, सारी स्थिति को, जो जैसे लोग मर रहे थे, घर भी उखड़ गए थे, काफ़ी लोग मर गए थे गांव के, है ना, तो सारी स्थिति को देख करके प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो लीडर के रूप में काम करेगा। इफ नो वन इल्स डीड, हो सकता कोई नहीं किया हो ऐसा। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मार्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद देयर विथ हिज राइस। और उसने क्या किया कि एल्डर्स को, यंग को, यूथ को इकट्ठा किया, एक ऑर्गेनाइज किया और रिक्वेस्ट किया बहुतों से कि राइस जो है, चावल जो है वो दें, बांटा जाए चावल ऐसी स्थिति में। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड।
एंड रिटर्न ट्रियम्फली वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द इंटायर सेल्टर। और ऐसे जो हैं उसके जो आइडिया थे वो सक्सेस किए और काफ़ी ज़्यादा राहत मिली, चावल भी इकट्ठा हो गए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, किसी को अंदाज़ा ये बात का नहीं था कि चावल कैसा है, सड़ा है या कैसा है, बट वो जो स्थिति थी उसको देख करके भूख के मारे सब मारे थे, तो सभी उसका सेवन कर रहे थे, खा रहे थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, और जो ट्री के जो ब्रांचेस थे जो गिरे थे उसे इकट्ठा करके फायर का यानी आग का व्यवस्था किया ताकि चावल उससे पकाया जाए और उसे यूज़ करेंगे। ऑन विच इट टुक द राइस, जिस पर चावल पकाया जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन फोर डेज द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर पेलिस, ये चार दिन के बाद ही जो शेल्टर में था, चार दिन बिताने के बाद लोगों को पहली बार खाने का, उसके पेट में कुछ अनाज जाने का मौका मिल रहा था। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन एंड शेल्टर क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ यूरिन फॉमिट एंड फ्लोटिंग कारकासेस एंड टू टेंड द वॉन्ड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। और इसके बाद का आइडिया जो था उसने एक ऑर्गेनाइज किया, टीम ऑर्गेनाइज किया जिसमें बहुत सारे वॉलंटियर को रखा, और उसका काम था कि जो शेल्टर है जहाँ पे लोग रुके हुए थे वहाँ पे काफ़ी गंदगी थी, फिल्थ जो गंदगी थी, यूरिन जो पेशाब था, वॉमिटिंग फ्लोटिंग कारकासेस जो मृत जानवर के शरीर थे, या वो लोग जिनको घाव हो गए थे उनकी जो है इंजरी थोड़ा वो ठीक करना, ये सारे काम थे। ऑन द फिफ्थ डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स, और पांचवा दिन क्या होता है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है उस शेल्टर के ऊपर से गुजरता है और कुछ फूड पार्सल को गिराता है। इट देन डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद फिर लौटा नहीं। द यूथ टास्क फोर्स गैदर एम्प्टी, फिर क्या होता है देखें, एम्प्टी utensil from the shelter, then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with this utensil on their stomach. अब फिर क्या किया कि उसने जो बच्चे थे वहाँ उन बच्चों को कहा कि आप लेट जाएं और अपने पेट के ऊपर जो है, अपने बॉडी के ऊपर जो है utensil जो थाली कटोरा होते हैं उसको रख लें ताकि कम्युनिकेट किया जाए जो एयरफोर्स के या फिर सरकार के जो हेलीकॉप्टर हैं उससे, टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, उसे पता चल जाए कि यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी भूखे हैं। ठीक है, चलो। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और फिर ये मैसेज जो है हेलीकॉप्टर को चला गया और फिर रेगुलर वहाँ से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर ने खाने का सामान और बेसिक नीड्स जो है उसको देने लगे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेन, प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑर्फेन हो गए, अनाथ हो गए, उसके माता पिता जो हैं इस बड़े से स्टॉर्म में मर गए हैं। चलिए, ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप पॉलीथीन शेल्टर फॉर देम, और सभी को एक साथ में पॉलीथीन शेल्टर में रखा। वुमेन वर मोबालाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और महिलाओं को वहाँ लगा दिया कि उसे उसकी देखभाल करे, वाइल द मैन सिक्योर फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, और जो पुरुष थे वो फूड जो है वो और शेल्टर का भी वो ध्यान रख रहे थे, खाने का और रहने का। एज द वीक्स पास्ट प्रशांत वॉज क्विक टू रिकग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। ठीक है, जैसे जैसे सप्ताह पास हो रहे थे तो वुमेन और चिल्ड्रेन जो है काफ़ी सिंकिंग कर रहे थे, डीपर इन देयर ग्रीफ। ठीक है, ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO, तो उसने महिलाओं को भी मनाया और कहा कि काम करें प्रोग्राम में जो NGO के द्वारा शुरू किया गया है। एंड फॉर द चिल्ड्रेन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने
स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, मतलब खेल कूद भी इन्जॉय करना शुरू किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, वो खुद ही क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए उसने क्रिकेट मैच को भी आयोजित किया। प्रशांत इंगेज्ड विद द अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रेन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। तो प्रशांत और उसके वॉलंटियर ने बच्चों को और जो विडोज थे, जो विधवाएं थीं, उनकी भी देखभाल के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन एंड विडोज। जो गवर्नमेंट का प्लान है वो होना ये चाहिए कि ऑर्फेन को, जो भी अनाथ हैं और विडोज जो विधवा हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन स्थापित करना चाहिए। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुल, और यह स्टेप जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। रजिस्टर एज इट वॉज फेल दैट इन सच सिचुएशन चिल्ड्रेन वुड ग्रो अप विदाउट लव। और ऐसी सिचुएशन में पता चलने लगा कि बच्चे जो है बड़े तो होंगे लेकिन बिना प्यार और बिना दुलार के। एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस। और विधवाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतदारी में होंगी क्योंकि वो अकेला हो गई हैं। प्रशांत ग्रुप बिलीव ऑर्फेन शुड बी रीसेटल इन देयर ओन कम्युनिटी इट्सेल्फ। और प्रशांत की जो टीम है उसने डिसाइड किया कि जो बच्चे हैं उसको रीसेटल किया जाए अपनी कम्युनिटी में, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिली मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रेन विदाउट एडल्ट केयर। और ऐसी व्यवस्था उसने की कि जो चाइल्डलेस विडो हैं उसको बच्चे मिल जाएं और जो है सब एक दूसरे का देखभाल ध्यान रखें। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवेस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। 6 महीने गुजर चुके हैं इस साइक्लोन के, ठीक है। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्प्रिट हैड हेल सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ऑन पेन। और अब तक प्रशांत जो हैं उसके जो घाव हैं वो भर चुके हैं, मतलब जो अभी तक उसने झेला देखा वो सारे घाव अभी तक भर चुके हैं। हिज हैंडसम यूथ फेस इज व द विडोज एंड ऑर्फेन चाइल्ड ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट ऑफ देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। ऐसी स्थिति में जो विडोज हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, उसको जो ग्रीफ से, जो दुख वाला दुख था, उससे ऊपर लाने में इसका यानी प्रशांत का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा, काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। तो हर्ष मंडेर की ये कहानी कैसे लगी आप जरूर से ज़रूर बताएंगे। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसमा। बहुत सुंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।